नमस्कार आज स्पेशल रिपोर्ट को आपण को स्वागत। रूसिया साम्राज्य थिला गोटे पुरातन जीर्ण और कदर्य भाव निर्मित जहाज जहा कि आउ किछि काल जलयात्रा करि परिथांता जे पर्यंत झड़ न था किंतु जेतेबेले झड़ आसीगला जहाजटी तार सम्मुखीन हेबाकू क्षम हैला नाही एवं बुड़ीगला। 1917 मसीहारे जेतेबेले रूसिया रे विप्लव आरंभ होइकला एवं जार निकोलास सिंहासन त्याग करथिले सेही समय जड़े विख्यात ऐतिहासिक एभली कहिथिले। वर्तमान यूक्रेन रूसिया युद्ध भयानक रूप धारण करिछि। युद्ध एबा परठारु पुतिन को विरोध रे मध्य जन असंतोष बढ़ी बढ़ी चलिछि। तेनु तांको मध्य गादीच्युत करिवार षडयंत्र आरंभ होइछि। आउ एहार भितरे किंतु युद्धर मोड़ बदलाइबाकू रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करिछंती बड़ योजना। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की को बंकर को डायरेक्ट हिट करबा पई प्रस्तुत हेउची विराट रणनीति। चलंतु आरंभ करबा आजर स्पेशल रिपोर्ट। आसंता फेब्रुआरी रे यूक्रेन युद्ध भयंकर हेबाकू जाउची। ए लड़ाई एते भयंकर हेबो जे सारा विश्व केवल जल जल होई चाहि रहिथिबो। तिबे एथि पई पुतिन कोन रणनीति प्रस्तुत करिसंती ए प्रश्न जेतिकी अपरिकल्पनीय सेतिकी भयानक। तेरे जेलेंस्की मध्य निजर बंकर भितरे थाई रूसिया को चेक देबा पई करूछंती विराट खसरा प्रस्तुत। सेति पई नाटो निकट रे करिसंती बड़ दाबी। कोन से दाबी देखंते रिपोर्ट। यूक्रेन होगाकू जाऊँगी सबुठ भयंकर टैंक युद्ध। जनवरी सह फेब्रुआरी होगाकू जाऊँगी सबुठ बड़ लड़े जहाँ देखि सारा विश्व ताजुब हो। यूक्रेन रिजल्ट को तीनोटी फ्रंट देखा जरूरी। पुतिन खेरसन हारी सारी किंतु यहाँ पर पुतिन सोलेदार जीति सारी। एबे पुतिन को समग्र डोनबास बंचाइबा सह पश्चिम यूक्रेन उपर भी चढ़ाव करिवार अछि। ए होछि पुतिन को निष्पत्ति, ए होछि पुतिन को इरादा आउ एहा ही पुतिन स्थिर करछंती। सेति पय पुतिन करछंती बड़ रणनीति कारण एबे टैंक यूक्रेन युद्ध रे हेबाकू जाउछि सबुठु बड़ अस्त्र। टैंक नेब युद्धर अंतिम निष्पत्ति आउ सेथिपाई पुतिन आर्मी कमांड को नहीं जो परिवर्तन करछंती ताहार सेंटर पॉइंट होछि टैंक युद्ध। पुतिन निजर टॉप टैंक कमांडर वलेरी गेरासिमोव को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ करछंती। से होउछंती आर्म्ड कोर ऑफिसर टैंक युद्धर सबुठारु बड़ और भयंकर खिलाड़ी बोली से जनरल वलेरी गेरासिमोव आसिबा परे एबे रूसिया रो फोकस टैंक उपर रही। यह सहब हेलिकॉप्टर स्ट्राइक। यह फायदा उठाई पुतिन सेना यूक्रेन माटी को चिरी अटैक करिवे। यूक्रेन रे टैंक युद्ध अत्यंत भयानक स्थिति में पहुंच सारी कारण एने बड़ बड़ दाबी करा जाउची। यूक्रेन दाबी जे जेलेंस्की सेना रूसिया रो 3000 रु अधिक टैंक नष्ट करछंती। युद्ध पूर्व यूक्रेन पाखरे 2000 टैंक थिला। एबे नाटो को अधिक टैंक पाई अनुरोध करछंती राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की। एकता प्रमाण करुछि जे रूसिया यूक्रेन रो टैंक शक्ति को संपूर्ण भाव नष्ट कर दैछि। एबे जेलेंस्की संपूर्ण भाव निजरो आर्टिलरी उपर निर्भरशील। सेतिपाई कहिपरिबा जे जेलेंस्की टैंक शक्ति संपूर्ण भाव नष्ट होई सारछि। एबे ताक नजर नाटो रे दुईटी टैंक उपर अछि। ए दुईटी टैंक विषय रे जहा कहिबाक जाउछु ताकू ध्यानर सह देखतु। ए होछि सेही टैंक जहा जेलेंस्की को मिल पारे। यह अत्यंत भयंकर हमला एमिति करे जे टार्गेट को हलचल होबार सुजोग भी मिल न थाए। ए होची ब्रिटेनर चैलेंजर टैंक जहां जेलेंस्की को डिमांड तालिकार शीर्ष अछि आ ब्रिटेन मध्य एहा उपरे मोहर लगाई सारछि। नहीं जेलेंस्की डिमांड एमिति जे ब्रिटेन हो कि जर्मान नाटो को नहीं जेलेंस्की टैंक इच्छा बहुत बड़ से कारण जेलेंस्की एबे 10 कि 20 नुहे बर पूरा 300 टैंक चाहती से चाहती जे रूसिया सह लड़ाई करने को हेले नाटो ताकू 300 टैंक डेलीवरी यथाशीघ्र करू। तेबे काहे जेलेंस्की टैंक डिमांड करछथि ताहा गुरुत्वपूर्ण कारण डोनबासर मोर्चा केवल टैंक द्वारा जीति हेब से कारण जेलेंस्की दुईटी टैंक उपरे अधिक फोकस देउछथि। प्रथम हेउची ब्रिटेन रो चैलेंजर टैंक अन्यटी हेउची जर्मनी रो लेफ टैंक। जदि एही दुईटी टैंक यूक्रेन पहुंचे तेबे यार टक्कर रूसिया दुईटी गुरुत्वपूर्ण टैंक सह हेब। गोटे हेउची रूसिया T-72B3 टैंक जहाँ T-72 रो आधुनिक वर्सन, द्वितीय हेउची T-90 जहाँ रूसिया ऑन ग्राउंड सबुठू भयंकर मिसाइल बोली कहा जाए। एथिरे मध्य T-90 रो आधुनिक वर्सन अछि। जनरल बरेली गेरासिमोव नजर पर रूसिया सेनार सामिल होइछि ताकू यूक्रेन रे केमिति व्यवहार करा जिवो से नै बरेली भल भाबे जानिछथि आ खास सेति पई एहाकू नजर रखी पुतिन टैंक वार उपरे अधिक फोकस देउछथि। जनरल बरेली गेरासिमोव एबे रूसिया स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन रे कमांडर अछथि से निज हिसाब रे युद्ध लड़िबाकू चाहथि। एहा मने रखिबाकू हेबो जे गेरासिमोव टैंक युद्ध रे महारथी किंतु एबे तांकर सामना यूक्रेन नुहे बरु नाटोर टैंक सह हेबाकू जाउछि कारण खूब शीघ्र यूक्रेन को लेफ्ट एवं चैलेंजर मिलवाकू जाउछि आ एहा हेबो रूसिया पई सबुठु बड़ चैलेंज। एहि कारणरू रूसिया एवं टैंक युद्ध को दुईटी अस्त्रर युद्ध मंदिर लड़िबाकू चाहछि। गोटे हेउछि T-90 टैंक आ अन्यटी हेउछि Kmov-52 हेलिकॉप्टर। बरेली गेरासिमोव चाहती जे यही दुईटी मिलित भावे यूक्रेन सेना उपर आक्रमण करंतु। टैंक और हेलिकॉप्टर परस्पर शत्रु जड़े जनकर शक्ति होता। गोटे आक्रमणात्मक हेलिकॉप्टर रे आंटी टैंक मिसाइल खंजा होता है आउ से शत्रु पक्ष को टैंक उपर को आक्रमण करता है निज सेनार टैंक पर रास्ता सफा करता है। पुतिन का नुआ कमांडर एबे यही रणनीति सह यूक्रेन रे लड़ाई करने को चाहते। यह युद्ध केते भयंकर हेबो जे ताहा जानिबा को आमे आपन को युद्धर 3टी टैंक विषय रे सविशेष तथ्य उपस्थापना करूछु। एक भल टैंकर 3टी स्वतंत्रता रहिछि। प्रथम यार फायर पावर, द्वितीय हेउछि शत्रु पक्षर हमला को रोकिबा पई सहनशीलता एवं तृतीय हेउछि तार ओजन एवं मोबिलिटी अर्थात से केते बेगरे अटैक कर परिबो। तबे जेलेंस्की को भरोसा दुईटी टैंक ऊपर रहिछि सेपड़ किंतु पुतिन हाईटेक पद्धति रे अटैक करबा को प्रस्तुत हेउछंती। एका संगे माटी और आकाश रु आक्रमण करी जेलेंस्की को सबु चाल को भंडूर कर देबा को रूसिया राष्ट्रपति करूछंती बड़ तैयारी। तबे कोन सतरे ए युद्ध हेबो शताब्दीर सबुठु भयंकर युद्ध? देखंतु ए रिपोर्ट। एबे यूक्रेन रे 3टी टैंक मध्यरे जबरदस्त लड़ाई हेबाकू जाउछि। गोटे पटे जेलेंस्की को चैलेंज और लेफ्ट टैंक, अन्य पटे पुतिन को T-90 टैंक। यूक्रेन युद्ध रे टैंक मध्यरे मुख्य मुकाबला ए टैंक मध्यरे हेबाकू जाउछि। रूसिया पाखरे T-72 टैंक मध्य अछि। तबे सर्वप्रथमे देखिबा চ্যালেঞ্জর ও লেফট ট্যাঙ্ক বিষয়ে ব্রিটেনর চ্যালেঞ্জর গন 120 মিলিমিটার সেইপরি জার্মানির লেফট গন মধ্য এই সাইজর। ব্রিটেনর চ্যালেঞ্জর ওজন হচ্ছে 65 টন সেইপরি লেফটর ওজন হচ্ছে 70 টন। চ্যালেঞ্জর ঘণ্টা প্রতি 60 কিলোমিটার বেগরে দৌড়ি থাকে, অন্যপটে লেফটর বেগ হচ্ছে ঘণ্টা প্রতি 70 কিলোমিটার। उभय टैंक रे चारोटी क्रू मेंबर थांती। यार मुकाबला रूसिया T-90 टैंक रे थिबा तीन जणिया क्रू मेंबर सह हुए। एतिर गोला भर्ती करिवार सिस्टम हेउची ऑटोमेटिक। एई दुई टैंक रो मुकाबला रे 20 टन हल्का अछि। T-90 प्रथम थर 1992 रे रूसिया सेनार शामिल होइतला। 2016 रे रूसिया यार नुवा वर्जन काढितिला जार ना हेउची T-90M। T-90M टैंक रे 17 APS अर्थात एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगी था। यह जेकोसी मिसाइल शक्ति को पहुंचाई था। आधुनिक इंजिन खंजा होती, आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम अच्छी, लगी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर मध्य T-72 अधिक शक्तिशाली। मात्र यूक्रेन माटी मध्य एथिपय चैलेंज सब्यस्त होती। एबे यूक्रेन रे रूसिया T-72 टैंक अधिक परिमाण में मौजूद रखी। यही कारण यूक्रेन को मिलता आंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सबुठु अधिक शिकार टैंक होइछि। T-72P3 टैंक T-72 रो आधुनिक वर्जन को युद्ध में सबुठु अधिक क्षति सहबाक पड़छि। अधिक हमला रे यह द्वितीय थर पई व्यवहार उपयोगी नुहे। यूक्रेन आंटी टैंक मिसाइल एमिति जे अनेक स्थान में रूसिया ध्वंस होता टैंक देखा से 1 मीटर चौड़ार कणा केतक संपूर्ण भाव जली जाइए। यूक्रेन सेना और मिलेशिया एवं आउ दुईटी भिन्न आंटी टैंक वेपन सिस्टम व्यवहार करेरिकार मिलता जैवलिन आंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम अच्छी जार रेंज हो 4 किलोमीटर। गोटे जैवलिन सिस्टम मूल्य 1 कोटी अधिक होता है। यार गोटे मिसाइल मूल्य 60 लाख टका। ब्रिटेन रू मिलता N-LAW सिस्टम अर्थात नेक्स्ट जेनेरेशन लाइट आंटी टैंक वेपन जार रेंज होची 800 मीटर। तेरे गोटे N-LAW मिसाइल मूल्य 30 लाख टका। उभय होती टॉप एंगल अटैक मिसाइल। यह मिसाइल टैंक ऊपर भाग में आक्रमण करता है। टैंक जिते शक्तिशाली होते भी यार ऊपर भाग सेतटा शक्तिशाली हो न था। से आक्रमण कला समय मिसाइल टैंक भीतर को पशि जाए। एवं समस्त नजर चैलेंजर और लेबर उपर रही। उभय खूब ओजनिया। यूक्रेन माटी एमाने भी खसी पारती। रूसियार हेलिकॉप्टर पावर सामने यही ध्वंस हो पारे। से जेनेराल बरेली गेरासिमोव चाहिए जे निज पूरा क्यारियर इच्छा पूरण करेंगे। आई नाटो टैंक को जबरदस्त टक्कर दे ब्रिटेन और जर्मनी समेत अमेरिका को एक उचित शिक्षा देवा चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। चक्रव्यूह तैयारी करुछि अमेरिका। एमिति चक्रव्यूह जेउथुरु बाहरिबा पुतिन को पई असंभव होई पड़िबो। यूक्रेन को अमेरिका सामरिक सहायता प्रदान करुछि। केवल अमेरिका नुहे नाटो देशगुड़ी मध्य यूक्रेन को सामरिक सहायता प्रदान करुछंती। विभिन्न अस्त्रशस्त्र भितरे पैट्रियट मिसाइल डिफेन्स सिस्टम मध्य अन्यतम। यूक्रेन युद्ध रे वर्तमान टैंक वार जोरदार चलिथिबा बेले जेलेंस्की को बूस्टर डोज सब्यस्त हेबो पैट्रियट मिसाइल डिफेन्स सिस्टम। देखते रिपोर्ट। यूक्रेन रूसिया युद्ध को 11 मास पूरी बेले युद्धर मोड़ बदली। आसंता फेब्रुआरी युद्ध आहरी भयानक। तेबे पुतिन को मात देवाकू जेलेंस्की पाखरे भयंकर अस्त्र सबू रही। नाटो देशगुड़िकरू मिलुवा सामरिक सहायता जेलेंस्की को साहस देउछि। एहारी भितरे आमे आपनकू पैट्रियट मिसाइल डिफेन्स सिस्टम विषय में सविशेष तथ्य देबो। पैट्रियट अर्थात फेज एयर ट्रैकिंग राडार टू इंटरसेप्ट ऑन टार्गेट विश्वर सर्वोत्तम क्षेपणास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली होउछि पैट्रियट। यह होउछि अमेरिका रा डिफेंस सिस्टम। राइथन कंपनी द्वारा निर्मित मॉडल MIM-104 68 किलोमीटर अंचल को सुरक्षा देब। यह थरके 50 टार्गेट को ट्रैक करि परिबो। सेहीपरि पैट्रियट्र लक्ष्यभेद क्षमता हेउछि 160 किलोमीटर। भूपृष्ठर आकाश मार्ग को यह टार्गेट करिवार क्षमता रखिछि। शब्द बेगठार यह 5 गुण अधिक बेगर गति करिଥାଏ। मात्र किछि सेकेंड रे सुपरसोनिक स्पीड धरिଥାଏ पैट्रियट। एथिरे रहिछि 8टी लॉन्चर। प्रथम थर लगी अमेरिका आर्मी रे यह सामिल करा। 1991 गल्फ युद्ध रे प्रमुख भूमिका नहीं पैट्रियट। सदाम हुसैन का स्कॉट क्षेपणास्त्र को यह मात देता। सेहीपरि द्वितीय इराक युद्ध में व्यवहृत होता। 2014 सीरियार सुखोई युद्ध विमान को खसाई पैट्रियट। इजराएल, नेदरलैंड्स, पोलैंड और जर्मनी को पैट्रियट जोगाई अमेरिका। सेहीपरि जापान, इजराएल, साउदी आरब और कुवैत भी पैट्रियट नहीं। ताइवान, ग्रीस, स्पेन, यूएई, कतार, रोमानिया और स्वीडन को पैट्रियट देछि अमेरिका। तेबे यूक्रेन को काहेकि दरकार पैट्रियट? पैट्रियट रूसिया मिसाइल आक्रमण रक्षा करिबो। कीव समेत विभिन्न शहर टार्गेट करुछि रूसिया। घन घन क्षेपणास्त्र बस्ता करुछंती पुतिन सेना। रूसिया माटीरू यूक्रेन को टार्गेट करुचंती रूसीय सेना। तेबे यूक्रेन पाखरे USSR निर्मित बक OS-300 क्षेपणास्त्र रही। अमेरिका निर्मित पुराना हॉक मिसाइल रही। यह रूसिया मिसाइल को सामना करने को पर्याप्त होनी। रूसिया क्षेपणास्त्र को मात देवाकू दरकार शक्तिशाली अस्त्र। सेथिपाई पैट्रियट अस्त्र जेलेंस्की को आवश्यक पड़ी। तेबे जेलेंस्की को पाखरे पैट्रियट व्यतीत आहुरी अनेक अस्त्र अच्छी जहाँ पुतिन को चेक दे पारिबो। सेथिपाई जेलेंस्की को जोश एबे हाई अछि। रूसियार स्वतंत्र ऑपरेशन बनाम नाटोर जेलेंस्की को अस्त्रशस्त्र साहाय्य। महायुद्धर सबुठु बड़ मुकाबला एबे जेलेंस्की और पुतिन मध्य नुहे बरं रूसिया और अमेरिका बा रूसिया और नाटो मध्य होछि। जर्मनी निजर आधुनिक एयर डिफेन्स सिस्टम IRIS-D यूक्रेन को दे सारिछि। ए यूक्रेन सिस्टम कौन? यार शक्ति और रेंज शक्ति रूसिया यह केते विपद साब्यस्त होछि। तेबे जेलेंस्की को एयर डिफेन्स सिस्टम पुतिन को चिंतार पकाई। रूसिया विमान आउ पूर्वभली स्वाधीन भाव यूक्रेन आकाश में उड़ू ना। IRIS भली अस्त्र बड़ भूमिका रही। IRIS-T बा इन्फ्रारेड इमरजेंसी सिस्टम जो थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल अच्छी। यह एमती एक मिसाइल जार एयर टू एयर रसन दीर्घ वर्ष धरी एक्टिव सर्विस अच्छी। किंतु एबे यार सही रूप जो मिसाइल माटिरे लंचर रु फायर कराए जर्मनी हॉट डिफेन्स सिस्टम पलटि सारी। IRIS-D मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर रेंज रे 20,000 मीटर उच्चता पर्यंत जेकोसी आकाश मार्ग टार्गेट को ध्वंस कर। मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को एपाई दि जाएगी कारण रूसिया निजर बोमामर्शा जो जेलेंस्की अधिकांश एयर डिफेन्स सिस्टम को नष्ट कर सारी। से यूक्रेन पाखे एवं रूसिया एयरफोर्स ठार निजक बचाई स्ट्रिंगर व्यतीत आउ कौन स्वतंत्र अस्त्र ना। सेथिपाई यूक्रेन को एमती अस्त्र मिलवा आरंभ होइछि। यूक्रेन सबु पुराना एयर डिफेन्स सिस्टम तथा AS-300 सोवियत संघ समय बुक मिसाइल सिस्टम ରୁଷିଆର ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆକ୍ୟୁରେସି ହତ୍ୟା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ର ପୁନଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଇରିସ୍ ଟି ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ମିଳିବା ପରେ ତାର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ରୁଷିଆକୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। यूक्रेनर तीन अस्त्र रुषिया को चिंतार पकड़ यूक्रेन जेलेंस्की नाटो सहायतार नो फ्लाइंग जोन कर विफल होती किंतु एमती सिस्टम अच्छी जहाँ कम रेंज भितर रुषीय विमान शिकार कर सफल हो डिफेंस सिस्टम रु यह शिकार केमिति करा जाइछि यार एक छोट ट्रेलर देखते। यह हमला पछरे यूक्रेनर तीन डिफेंस सिस्टम अच्छी यह पुराना हेले भी रुषिया को चेक देवे सफल होती। प्रथमटी हूँ स्टिंगर सिस्टम जहाँ अमेरिका मिली द्वितीय होची स्ट्रेलो एवं तृतीय होची सोवियत समय S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। सोवियत संघ समय एक्टिव S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को विश्वासयोग्य कहुए। चिंतार विषय यह जे रुषिया को यह अस्त्र अड़ुआ सारी S-300 फायर पावर को नाटो सेना भय करती। यह एमती एक एयर डिफेंस सिस्टम जार रेंज 1300 किलोमीटर। यही एयर डिफेंस सिस्टम एवं किप को बचाऊँच। स्पष्ट भाव कहले व्लादिमिर जेलेंस्की एपर्यंत यही एयर डिफेंस सिस्टम पर सुरक्षित अच्छा। किब्रे S-300 मौजूद होवार कारण रुषिया को गला जनाअ। यह जेलेंस्की गेम चेंजर। यह एयर डिफेंस सिस्टम व्यतीत यूक्रेन नाटोरू अन्य अस्त्र मिली जहाँ सहायतार रुषिया को चेक देउछंती। तेबे तांको तालिका सामिल होगा जाउछि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तेणु ये समस्त अस्त्र जरिया जेलेंस्की पुतिन को परास्त करने को अंटा पिछुच्च। गत वर्ष फेब्रुआरी 23 में आरंभ होता रुषिया यूक्रेन युद्ध को 11 मासरू अधिक समय होगा। यह समस्ते जानते किंतु यार अंत केबे हबो ता समस्त घोषणा। रुषिया सेना निजर मिसाइल पावर बढ़ाऊँच। यह सह एयर डिफेंस जोन वृद्धि कर युद्ध आहरी भयंकर होगा। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। यूरोप माटी चलुवा लड़ेईर परिणाम अत्यंत भयंकर होगा निसंदेह कह। नुआ वर्षरे नुआ स्ट्राटेजी नहीं युद्ध मैदान को ओह्लाई पुतिन को यूक्रेन राष्ट्रपति केमिति चेक देबे ताहा वर्तमान समय सबुठारु बड़ प्रश्न। आज तो समय होइछि स्पेशल रिपोर्ट को एट रखिबा। नमस्कार।